आज का दिन है संडे और हम निकल रहे हैं देवकुंड वाटरफॉल के लिए और वो देखिए हमारा सबसे मेन चीज है सनराइज और यहाँ पे दोस्तों बज गए हैं 9। तो एक्सीडेंट हो गया, इस ड्राइव सेफ ऑलवेज, कहीं ना कहीं पे ऐसे लोकेशन तो जरूर देखेंगे किसी ना किसी मूवी वगैरह में। ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच गए हैं देवकुंड वाटरफॉल के बेस में, मतलब भीरा गांव। गाड़ी जाएगी ओके। तो देवकुंड वाटरफॉल जाने के लिए रास्ता कहाँ है? दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं देवकुंड वाटरफॉल के पास में और यहाँ है मेरे कुछ फ्रेंड्स आके और मैं सबसे पीछे और हम निकल रहे हैं अब यहाँ पे देवकुंड वाटरफॉल के लिए। थोड़ा सा फ्रेशन अप होना बहुत जरूरी है। क्यों प्रमोद, सही बात है? लंबे जर्नी के बाद अरे बहुत लग गई अभी तो। यहाँ पे बज गए हैं करीब 12:15, बहुत ज़्यादा टाइम हमने वेस्ट किया बीच में। चलिए अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अब हम यहाँ पे चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, हमारी असली ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे बताया जा रहा है हमें कि करीब 7 किलोमीटर पड़ता है, 1 वे 7 किलोमीटर, 2 वे 14 किलोमीटर्स। तो आज हमारा जो ट्रैक है वो है अप्रॉक्सीमेटली 14 किलोमीटर्स का। बहुत धूप है तो यहाँ पे कुछ ऐसे होटल वगैरह छोटे मोटे तो दिख जाएंगे। सर्वे बंधु पार्किंग भीरा, और वो अगर आपको दिख रहा है तो उसके पीछे हमको जाना है। क्या भैया देवकुंड जा रहे हैं? हाँ, देवकुंड जाने का रास्ता है। अच्छा, एक बात तो ये है कि देवकुंड का जो भी ये डो है हाँ, उसमें तैरना मना है, उसमें तैरना नहीं, मतलब बाहर पानी में रह सकते हैं ना, एकदम साइड में, साइड में किनारे तक, किनारे किनारे ले सकते हैं। आने जाने के लिए आपको कम से कम जाने के लिए 2 घंटा या 1.5 घंटा लगता है आपके चलने पे। आपके साथ यहाँ से एक लोकल गाइड दिया जाएगा यहाँ का, ओके, टच में रहेगा आपका सब, मोबाइल नंबर, आपके साथ कितनी लेडीज है सब अपने रजिस्टर में लिख लेंगे। ओके, यहाँ से जो गाइड आएगा वहाँ का जो भी चार्जेस लगता है आप गाइड से बात कर लीजिए, जो नंबर है इस वर्षताई का है आप इससे बात कर लीजिए। और अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ट्रेकिंग। हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, हमको एक गाइड मिल गई है, हमारी गाइड जी का नाम है वर्षा। दो ग्रुप है एक्चुअली में, एक है 5 का ग्रुप, एक है 4 का ग्रुप, टोटल है 9 लोग। और यहाँ पे मैं चल रहा हूँ सबसे पीछे और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए थे, यहाँ पे देवकुंड वाटरफॉल में करीब 2 लोग डूब कर मर गए थे, जिसके वजह से यहाँ पे अब गाइड्स को कंपलसरी कर दिया गया है कि जब भी आप आते हैं यहाँ पे तो आपके साथ में एटलीस्ट एक गाइड जो है हमेशा रहेगा, जिस वजह से आपको यहाँ पे आते हैं जब भी देवकुंड वाटरफॉल के पास में तो आपको मैंडेटरी एक गाइड लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे अपने, अगर आपके पास में ग्रुप बड़ा है तो आप वहाँ पे एक गाइड ले सकते हैं, या फिर आपका अगर ग्रुप छोटा है और कोई छोटे ग्रुप्स मिल जाते हैं वहाँ पे कंबाइन करके एक गाइड जो है, 2 ग्रुप या 3 ग्रुप जितने भी ग्रुप्स बनते हैं छोटे छोटे उनको एक गाइड दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप गाइड का जो रेट है अपने हिसाब से बात करके फिक्स कर सकते हैं। पे करीब 2 घंटे का रास्ता है, ये 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बीच में कुछ स्टीप चढ़ाई भी बोलते हैं। और हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये है अक्टूबर का मंथ,
दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं वो है एक डैम, भीरा डैम इसका नाम दिया गया है एक्चुअली में। तो ये जो डैम का नाम है वो भी इस गांव के नाम पे ही रखा गया है। दोस्तों ये एक प्लेन एरिया में हम लोग पहुँचे हैं, काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हमें ये नदी करनी है क्रॉस, हमें जाना है इस रास्ते से और पानी जो है कुछ यहाँ से आता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे होने वाला है हमारा भाई। ये है हमारी गाइड वर्षा जी, जो आज हमें यहाँ पे ट्रैक में शामिल किए और हम जा रहे हैं इनके साथ में, और ये हमारी टीम है। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है और अगर आप कभी भी आते हैं यहाँ पे देवकुंड वाटरफॉल में, तो वर्षा जी को ज़रूर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे केयर करेंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। काफ़ी सनी डे, एक्सपेक्टेड तो नहीं था लेकिन चलो कोई बात नहीं, ट्रैकिंग का मज़ा तो सनी डे पर ही आता है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट 1/3 पाथ जो है क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी काफ़ी पाथ बचा हुआ है। वो पहाड़ है, आपको काफ़ी सारे पहाड़ जो है यहाँ पे दिख जाएंगे। पीछे में एक पहाड़ है इस पेड़ों के बीच में, जिसको हमको एक्चुअली में क्रॉस करके जाना है। तो मैं इस पहाड़ की बात कर रहा हूँ जो हम क्रॉस करके इसके पीछे जाना है। यहाँ पे हमको इसके पीछे ही मिलेगा देवकुंड वाटरफॉल। तो यहाँ पे आप बोर्ड देख पाएंगे देवकुंड धबधबा का, जो कि बता रहा है कि वो इधर साइड में है। चलो वर्षा जी हमें दे रही हैं शरबत। अभी तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ आधा पहुँचे हैं और आधा बाकी है। डेढ़ घंटा भी और पहाड़ दिखता है ना, हाँ उधर से पीछे जाना पड़ेगा इसके पीछे। अच्छा, इसके पीछे ऊपर का, हाँ उसका पीछे वो, ओके दिखता है डोंगर, हाँ डोंगर का साइड से उसके पीछे जाने का। यार अभी भी 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे बाकी है, हमको जाना है वहाँ पे इसके पीछे और उस पहाड़ के बीच से, तो हम पहुँचेंगे वहाँ पे फिर देवकुंड वाटरफॉल पे। बहुत टाइम हो गया, बहुत थक गए हैं। ऐसे कुछ निकालो, ये देखे चश्मा बाबा, मैं बोली ना ऐसे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम पहुँच गए हैं एक ब्रिज के पास में और करने वाले हैं इस ब्रिज को क्रॉस, और ये है वो ब्रिज जो हम करेंगे क्रॉस। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट के अंदर, जो मैंने आपको बताया था पहाड़ में चढ़ने वाला है। अब हम उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे काफ़ी स्टीप चढ़ाई होने वाली है, तो थकान भी ज़्यादा ही होने वाली है। दोस्तों ये है एकदम पतला सा रास्ता जो हमको आके लेकर जाएगा, तो यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से चलना होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम चढ़ रहे हैं जो मेन स्टीप है यहाँ का, उस पर बहुत भारी चढ़ाई होने वाली है। ये देखिए रास्ता, इतना आए होते उतर करके जा रहे हैं और क्या। देखो फ्रेंड्स कैसे यहाँ पे उतर आई है, बहुत ही खतरनाक। और ये है फाइनली वो एरिया जिसकी हमें तलाश थी, देवकुंड वाटरफॉल का यहाँ पे स्टार्टअप। तो अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं इस रिवर को क्रॉस, उतर के वहाँ पे जाएंगे हम लोग। Reaching for a distant star, don't stop now. Isn't it strange to have a safe and home? To the forgotten days until the second glow. If you're gonna make a change, you have to let me know. दोस्तों ये है देवकुंड वाटरफॉल का पहाड़।
knows is all you need to know. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काई वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संभल कर चलिए। अच्छा यहीं पे जूता उतार दें। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँचे यहाँ पे देवकुंड वाटरफॉल में। अरे कुछ स्टॉल वगैरह है यहाँ पे, ये हैं कुछ पथरीले रास्ते, यहाँ पे चलना होगा आपको संभल कर इनका सपोर्ट लेते हुए। ये है एक्चुअली में देवकुंड वाटरफॉल।